तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे सुबह पहली ए सुबह पहली गा। लेने ले लीजिएगा आप हम लोग लगा देंगे, आप नहीं लगाइएगा जल्दी। मैं लोग आपको टोकता हूँ, मैंने कोई गरीबी से नहीं जिया हूँ, मैं मध्यम वर्गीय में जिया हूँ और हमारे माता पिता ने बहुत अच्छे तरीके से पाला है। वो कैसे देखते हैं और आज के वक्त को कैसे देखते हैं? मैं देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे उस वक्त के लिए बुलाया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि लोग भी उस वक्त। आज बीपी मंडल जयंती है, पूरे राज्य में बीपी मंडल जयंती मनाया जा रहा है और उनके गांव मुरहो में राजकीय सम्मान समारोह के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। और मधेपुरा पहुंचे हैं अल्ताफ राजा जी, जिनकी बारे कहानी, जिनकी कई किस्से हैं, हालांकि उन पर हम नहीं बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन सीधे बातचीत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बिहार के मधेपुरा पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? कई घंटे बीत चुके हैं और आप बैठ के लिपसिंग कर रहे थे, कैसा लग रहा मधेपुरा आके? मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं जब भी बिहार आता हूँ तो ढेर सारा प्यार और खुशियाँ लेके जाता हूँ। यहाँ के दर्शक बड़े ही सौम्य हैं और साहित्य का अच्छा ज्ञान है, संगीत का अच्छा ज्ञान है, तो मुझे हमेशा सराहते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने गानों से और अपने संगीत से उनको हमेशा सराबोर करता रहूं। कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं, का जो परवरिश हुआ बड़े ही गरीबी से जिया आपने उसे जिया है। आपको टोकता हूं, मैंने कोई गरीबी से नहीं जिया हूं, मैं मध्यम वर्गीय में जिया हूं और हमारे माता पिता ने बहुत अच्छे तरीके से पाला है, हमें अच्छे से अच्छा वक्त तालीम दिलाने की कोशिश की, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाते, जो भी किसी ने फैलाया गलत है। इतना है कि मध्यम वर्गीय में हुआ हूँ और आज भी मैं अपने आप को लिव सिंपल और थिंक बिग समझता हूँ जी। क्या लगता है सर, आगे और भी कुछ नए गाने आने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं? भाई मेरा खुद का अपना चैनल है, अल्ताफ राजा ऑफिशियल चैनल, आप उस पर जाके देख सकते हैं। मैं हर हफ्ते शायरी अपलोड करता हूँ, उसके अंदर नए नए गाने, विदेश जाता हूँ वहाँ शूट करता हूँ, कभी इधर आ गया तो यहाँ शूट करता हूँ, वो सब नए गाने अपलोड करता हूँ, लोगों को सब नए मटेरियल जो भी है मेरा वो सब मिल जाएगा। आज भी कई दर्शक का ये सवाल है कि आज भी बहुत अपडेट रहते हैं, ये खूबसूरती का राज क्या है? ये बस मेरी मम्मी अब्बा की दुआएं हैं कि वो इस रूप में, ये जो रूप मुझे बख्शा है, जो आवाज़ बख्शी है, पहले तो खुदा का शुक्र अदा करूँगा और फिर मेरे मम्मी अब्बा की ये दुआएं हैं कि जो आज भी मैं ऐसा आप लोगों को नज़र आता हूँ। सर, पहले के संगीत में और आपके संगीत में कितना कुछ बदला? आप जिस वक्त गाते थे उस वक्त को कैसे देखते हैं और आज के वक्त को कैसे देखते हैं? मैं देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे उस वक्त के लिए बुलाया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि लोग भी उस वक्त को याद करते हैं। आज भी उस गाने को काफ़ी सुना जाता है, आपने ऐसा गा दिया था कि तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, यकीनन वो जो प्यार है आज भी आपको मिलता है, कैसे देखते हैं इसको? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे सुबह पहली ए सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। मैं अच्छे तरीके से देखता हूँ भाई, हर आर्टिस्ट यही सोचता है कि भाई उसे प्यार मिलेगा तो अच्छे तरीके से देखेगा। कई फिल्मों में काम करने का मौका, ऐसा माना जाता है कि कई हजार कई सौ आपने गाने गाया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्यार मोहब्बत आपको मिली वो तुम तो ठहर परदेसी में ही आपको मिला। हाँ, तो ये इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दर्शकों का, कि दर्शकों ने जो मैंने पेश किया फ्यूजन, उसके अंदर शायरी के अल्फाज है, उसमें नज़म है, रुबाई है, जो भी उर्दू शायरी के जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं वो मैंने उसमें डाले और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, तो इसलिए मैं दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी सर कई शादी में आज भी सर आपकी कव्वाली को गाया जाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, थैंक यू वेरी मच, आपके चैनल पे आया और बहुत बहुत शुक्रिया।